हाँ जी दोस्तों वापस आओ आए क्या वापस हम्म सुनो सर क्वेश्चन पूछे किसी ने कि विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एक बार एप्लीकेबल हो जाता है तो क्या हमेशा एप्लीकेबल हो जाता है यस सर वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेशन आप अगर एक बार लिस्टेड कंपनी है तो हमेशा आपको एप्लीकेबल हो जाएगा और हम वैसे भी आपसे विमेन डायरेक्टर मांग रहे हैं ना डायरेक्टर तो आप वैसे भी रखोगे

उसमें तो भर भर के लेकिन ब्रेक में ही दिक्कत नींद नहीं आती बस सुनो 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 सुनो, सुनो गॉड से दुनिया वालों सुनो <coughs> सर लीडरशिप मीट्स गुड गवर्नेंस क्या है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या है मेरी स्क्रीन पे ये रिलायंस का रिलायंस का अ एनुअल रिपोर्ट है रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट है जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 2021 का है 21-22 का अभी तक आया नहीं है अब आप देखो नीचे मेरा थोड़ा जूम इन होकर दिख रहा है तो बस आप देखो कौन कौन है आप नीचे देखो नाम ऊपर में बस जूम कर रहा हूं मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छा नीता अंबानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसा कुछ तो भी लिखा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ठीक है अरुण धत्ती भट्टाचार्य नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भाई साहब दो विमेन डायरेक्टर हो गए ठीक है श्री केवी चौधरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर योगेंद्र पी त्रिवेदी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक सी जैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल मेसवानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अच्छा हीतल मेसवानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर कुछ तो होता है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव बताता हूं थोड़ी देर में रघुनाथ नॉन एग्जीक्यूटिव आडिल जेनुला भाई नॉन एग्जीक्यूटिव पीएमएस प्रसाद पवन कुमार कपिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रामेंद्र सिंह गुजराल सुमित बैनर्जी अच्छा सर याद नहीं करने नाम बस इतना चीज देखो यू डेंट द ऊपर वाला यू जस्ट हैव टू लुक एट दिस नीचे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्त नीचे जो हाईलाइट आ रहा है वो तो क्लियर है ही ना अब सर सुनो अब मैं आपको बताता हूं बोर्ड का एक बोर्ड गवर्नेंस का स्नैपशॉट देखो आप बस नीचे वाला सेक्शन देखो दोस्त तो नीचे वाला सेक्शन ये जो हाईलाइट होकर आपको दिख रहा है बोर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है पांच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नौ क्या करते हो पुष्कर अंकित शर्मा कह रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शांति शांति बताता हूं सुनो सर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है पांच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन नॉन नाइन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है सर ये होता क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते सुनो देखो दोस्तों क्या हुआ था आपको पता है सत्यम का स्कैम हुआ था

सारे एक्ट चले गए इंट्रोस्पेक्शन में बोले हम क्यों नहीं पकड़ पाए भाई इतना बड़ा फ्रॉड था हम क्यों नहीं पकड़ पाए तो उस समय ना एक रीजन पता चला कि जो एक जो कंपनी थी ना सत्यम उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग नहीं था बहुत स्ट्रांग नहीं था मतलब क्या बहुत सारे लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे थे वो कंपनी के ही लोग थे मतलब क्या वो कंपनी का फाउंडर फाउंडर का भाई फाउंडर की बीवी फाउंडर का बेटा ऐसे रिलेटिव थे बाहर का कोई डायरेक्टर नहीं था सब लोगों का कंपनी में इंटरेस्ट था मतलब क्या कंपनी की ग्रोथ से उनका ग्रोथ था क्यों जितना कंपनी ग्रो करेगी जितना ज्यादा पैसा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा इनको शेयर मिलेगा तो इसलिए सबको ही ना कंपनी में गलत चीजें भी हो रहे थे तो वो होने दिया क्यो? क्यों क्योंकि उनका अल्टीमेटली फायदा था क्योंकि वो शेयर होल्ड करके बैठे थे अच्छे खासे भर भर के तो इनको रियलाइज हुआ हमको ना जो गवर्नमेंट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है गवर्नेंस क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या जो स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना दो पार्ट में स्प्लिट करवाना पड़ेगा एक होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है दोस्तों सुन लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब क्या वो लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं मतलब क्या वो लोग जो डे टू डे अफेयर्स में शामिल होते हैं जैसे कि अगर मैं मैं आपको एक बात बताऊं जैसे कि ना इसके पहले वेंचर कैपिटल फॉर्म में काम करने के पहले मुंबई एयरपोर्ट में काम करता था आई वॉज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द दीई मुंबई एयरपोर्ट का तो वहां पर मैंने देखा जब हमारा कोविड हिट हुआ ना वेन कोविड स्टार्टेड एयरपोर्ट तो वेंट जीरो फ्रॉम करोड़ों का रेवेन्यू टू जीरो एयरलाइंस फ्रॉम एयरलाइन करोड़ा उसके साथ साथ कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था ना मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी था कंपनी का वो भी डे टू डे अफेयर्स में रोज मीटिंग करता था देखता था आज कितना कैश फ्लो है भाई सैलरी कितनी देनी है खर्चा क्या है वो सारा डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होता था ये जो डायरेक्टर है ना मैनेजिंग डायरेक्टर क्योंकि ये डे डे टू में 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 इन्वॉल्व होता है 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 और वो वो साथ कंपनी कंपनी का भी है। भी है मतलब क्या के के पेरोल के लिस्ट में आती है, उसको सैलरी भी जाती है तो इस तरीके का जो डायरेक्टर था ना जो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है पूरा एग्जीक्यूशन ध्यान देता है और एम्प्लॉय भी है कंपनी का उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही द वर्क इन कंपनी तो सर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो डायरेक्टर है और काम कर रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो सिर्फ पॉलिसी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं मतलब जब ब्रॉडर पॉलिसीज बनाते हैं ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर कितने लेवल तक का डिसीजन ले सकता है कौन से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास कितना पावर रहेगा जो ब्रॉडर पॉलिसीज फ्रेम होते हैं उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है वो जो है डे टू डे अफेयर्स में शामिल नहीं होता है मतलब क्या सर वो बोर्ड मीटिंग में आता है और ज्ञान देते हैं बस उनका डेली ऑपरेशंस में फॉर एग्जांपल मैं आपको बात एक बात बताता हूं जैसे कि हमने बोला कि सुनना मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना जैसा कि मैंने आपको बोला जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है डे टू डे अफेयर्स में काम करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डे डे टू अफेयर्स में काम नहीं करते अब मान लो एक कंपनी को ना जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने ठीक है थीके? तो जीएसटी रिटर्न्स अगर फाइल नहीं करोगे ना लॉ कहता है कि अगर जीएसटी रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करोगे कंपनी और उसके जो पर्सन इंचार्ज होते हैं वो लाइबल हो जाएंगे सर एक कंपनी का पर्सन इंचार्ज कौन होता है उसका डायरेक्टर सर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो जीएसटीआर रिटर्न मतलब एग्जैक्ट प्रोविजन पे मेरे को मत पकड़ना मेरी भावनाओं को समझो जीएसटीआर रिटर्न फाइल करना होता है ठीक है अगर एक कंपनी जीएसटीआर रिटर्न नहीं फाइल करती है तो ग... कंपनी भी लायबल होगी और कंपनी के जो पर्सन इन चार्ज है मतलब जो डायरेक्टर्स है वो भी लाइबल हो जाएंगे पर मैं अगर आपसे पूछू कि भाई डायरेक्टर्स में कौन सा डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन लाइबल होगा तो द आंसर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिकॉज भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो साल में चार बोर्ड मीटिंग में आता है ना वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है उसको क्या पता महीने महीने का रिटर्न हुआ है नहीं। वो, वो नहीं देखेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा which has from the board मतलब अगर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था बोर्ड मीटिंग में कि हम इस महीने का जीएसटी रिटर्न नहीं भरेंगे और उस meet, उस में उसने अपना कंसेंट दिया है ना तो फिर वो लायबल हो जाएगा वरना तो डे टू डे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ना। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब क्या ये डे टू डे अफेयर्स में शामिल होता है ये 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 डे डे टू अफेयर्स में शामिल नहीं होता है। ये का होता है ये का होता है कंपनी कंपनी का का एम्प्लॉय एम्प्लॉय नॉट एन होते हैं सर एक एग्जाम्पल दो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक क्यों दो लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर सर क्या बोल रहे हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या हो गया अब मैं तुमको सिंपल समझाता हूं तो मेरे को बताना नीता अंबानी जो है डायरेक्टर है रिलायंस में क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नीता अंबानी जो है क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बोलो बोलो नीता अंबानी जो है वो एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कि नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस एब्सोल्युटली नॉन इंडिपेंडेंट ना उसका हर डिसीजन बायस्ड होता है इकरा कह रहा है अगर फ्रॉड होगा तो दोनों लाइबल हो जाएंगे हाँ फ्रॉड होगा तो दोनों लाइबल हो जाएंगे लेकिन आपको ना सेक्शन 149 जब मैं अभी अभी पढ़ाऊंगा ना उसका सबसेक्शन 13 पढ़ाऊंगा 149 के सबसे 13 में ये क्लियरली लिखा हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सी चीजों के लिए लाइबल होता है ठीक है अब सर प्रिंस कह रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सैलरी मिलती है क्या कि उनको एम्प्लॉई कंसिडर किया जाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलती उनको क्या मिलता है वो मैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन में सिटिंग फीस तो मिलती है हाँ जी बिल्कुल मिलती है पर मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा शांत सर हम क्या पढ़ रहे थे हम वन पढ़ रहे थे और मैंने आपको रिलायंस के बोर्ड मीटिंग रिपोर्ट में दिखाया कि डायरेक्टर्स कितने तरह के होते हैं अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं बहुत हद से सुपर से भी ऊपर समझाने वाला हूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का किसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेरी बात सुनो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है ये सेक्शन 149 में एक डिटेल्ड सबसेक्शन है जिसमें लिखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है क्या नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए वो पूरा डिटेल में वो हम पढ़ेंगे लेकिन अगर आपको नॉर्मल समझाओ ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है वो बंदा होता है जिसका कंपनी के ग्रोथ में अपना इंटरेस्ट नहीं होता है उसका सिर्फ एक ही काम होता है कंपनी एथिकली ऑपरेट कर रही है कंपनी हर चीजें जेनविन कर रही है कोई फ्रॉड नहीं कर रही है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर या मोर स्पेसिफिकली अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन मारा है ना अगर मान लो रिलायंस अच्छा अच्छा खासा चल रहा है अचानक से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन मार दिया और उसने कोई रीजन नहीं बताया मैं क्यों रिजाइन कर रहा हूं कंपनी के शेयर गिरेंगे कंपनी का शेयर गिरेगा क्यों क्योंकि मार्केट ये समझेगी कुछ तो गड़बड़ है दया जो हमको पता नहीं चल रहा है हम रिटेल इन्वेस्टर हैं दस दिन बाद पता चलेगा फालतू के पैसे डूब जाएंगे आज निकल लो ठीक है तो सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या कंपनी में वो डायरेक्टर ना तो इंप्लॉई है कंपनी का क्योंकि भाई देखो अगर तुम एम्प्लॉय हो गए कंपनी का तो तुमको सैलरी आती है तो तुमको लगेगा यार सत्यम बंद हो जाएगा तो मेरी सैलरी बंद हो जाएगी किधर जॉब ढूंढूंगा मैं छोड़ना चलने दे जैसे चल रहा है इंडिपेंडेंट मतलब क्या तुम्हारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में तुम्हारे कोई रिलेटिव वहां पर कंपनी में मालिक बन नहीं बैठे हैं तब जाके तुम इंडिपेंडेंट कहलाओगे बहुत सारे कंडीशन है सर इंडिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑपोजिट क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑपोजिट क्या होता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब क्या वो डायरेक्टर जो अपनी जान लगा रखा है कंपनी में वो पूरा का पूरा इंटरेस्टेड है उसके बहुत पैसे लगे हैं वो कंपनी डूबेगी वो डूब जाएगा मतलब ही एज पर्सनल इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड दैट डेन हिल बी कॉल्ड एज एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सेक्शन वन में मैं आपको वापस फ्लो में लाता हूं सेक्शन 149 पढ़ रहे थे हमने अभी तक सिर्फ सबसेक्शन वन पढ़ा अब देखो तुम स्पीड सबसेक्शन वन पढ़ा सबसेक्शन वन क्या कहता है कि भैया एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल्स शूल हैल बी मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी टू इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन वन पर्सन इन केस ऑफ अ पर्सन कंपनी एंड अ मैक्सिमम ऑफ फिफ्टीन डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड दैट In case if you want to appoint appoint more than 15 directors, pass a special resolution. Provided further that such class or classes of companies as may be prescribed shall appoint at least one women director. टना है बस आप समझो चीजें समझो जितना मैं बताता जा रहा हूं सुनते जाओ रटना है याद करना है वो सबका टेंशन आज का नहीं है आज का टेंशन सिर्फ इतना समझ आया आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो सबसे भाई सुनना फॉर वन एंड ऑल बता रहा हूं पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था राइट बाद में कंपनीज कंपनीज एक्ट एक्ट 2013 2013 आया आया जब Companies Act 1956 से 2013 आया, तो बहुत सारे प्रोविजन चेंज हुए होंगे कुछ चीजें जैसे विमिन डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नहीं था तो वैसे कुछ सारे प्रोविजन चेंज हुए होंगे या पहले लिमिट दो की हुई थी अब तीन हो गई होगी तो जब आप प्रोविजन चेंज करते हो तो जैसे टाटा जो कंपनी है वो पहले भी हुआ करती थी टाटा तो, तो टाटा आज भी है तो टाटा को वो जो नए प्रोविजंस आए हैं उसका कंप्लायंस करने का टाइम भी तो देना पड़ेगा ना तो लॉ कहता है हर जगह जहां भी नया प्रोविजन आता है ना उसके आसपास वो ये लिखता है कि जो प्रोविजन हमने बोला है उसको कंप्लाई करने के लिए हम तुमको कितना टाइम देंगे

आज के डेट में एब्सोल्युटली है ट्रांजिशन प्रोविजन अगर आप देखोगे तो वो ट्रांजिशन प्रोविजन है और आज के डेट में वो एब्सोल्युटली है क्योंकि एग्जाम ट्रांजिशन कब जरूरी था सर 2013 और 14 में जब वो एक्ट इंप्लीमेंट होने वाला था आज तो सब वेल सेटल्ड है ना तो आपको ट्रांजिशन प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ये प्रोविजन आपको मेरे समरी नोट्स में भी नहीं दिखेंगे हम क्लास में भी आगे चल के मैं आपको बस बता दूंगा ट्रांजिशन प्रोविजन है आप समझ जाओगे क्या बोल रहा हूं मैं और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ठीक है और ये अभी तक तो सिर्फ कंपनीज हैं, आगे वो फेमा एक्ट, एलओडीआर में, और में तब क्या होगा वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। कंपनीज ये सत्य सौ प्रतिशत सत है कि आपको ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं देखना पड़ेगा के डायरेक्टर को अपॉइंट करता है Resident Director. Resident Director मतलब क्या सर सिंपल है सुनो क्या होता था फॉरन foreign, फॉरेनर्स आते थे बहुत सारे बाहर के लोग आते थे इंडिया में कंपनी बनाते थे फॉरेन शेयर होल्डर्स सारे फॉरेन डायरेक्टर्स इंडिया में मस्त फ्रॉड कर देते थे, थे और निकल लेते थे, थे बाहर फ्रॉड करे और निकल लिए बाहर तो भाई हम लोग क्यों बैठे यहां पर यहां पर जो कंपनी आकर के फ्रॉड की अब तुम किसका गला पकडोगे तुम्हारे पास तो कोई इंडियन है नहीं सारे फॉरेनर्स थे तो ने एक प्रोविजन बनाया कि हर कंपनी में एवरी एवरी कंपनी कंपनी लिस्टेड नहीं नहीं अनलिस्टेड हैव वन डायरेक्टर एक बंदा तो और सर फा मतलब, मतलब, मतलब सर अगर मैं फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 1 और 2022 की बात कर रहा हूं तो इस साल मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए कम से कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में स्टे कर रहा है फॉर मोर देन वन एटी टू डेज पर सर मेरे को कैसा पता चलेगा आज के डेट में शुरू के तीन महीने में मेरे को कैसा पता चलेगा कौन स्टे करने वाले भाई इतना तो तुम अपने डायरेक्टर से पूछ सकते हो कि भाई मेरे को एक रेसिडेंट डायरेक्टर की जरूरत है तू इंडिया में रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है और उसको लिख के भी देने बोल सकते हो कि भाई तू दे तू लिख के रहने वाला है करके तुम ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो और बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो तुम क्या देखोगे कंपनी में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब क्या नॉट लेस देन वन डेज कम से कम वन डेज वो इंडिया में स्टे किया है इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर ठीक है सर इन्होंने कोविड वोविड में बहुत सारे रिलेक्सेशन दिए थे क्योंकि क्या समझो कोविड कब हुआ था कोविड हुआ था सर मार्च टू में ठीक है और मार्च 2022 में मान लो अगर एक कंपनी के सारे डायरेक्टर्स बाहर है तो उसके बाद तो छह सात महीने का आठ महीने का तो फ्लाइट ही बंद हो गए थे ना वो इंडिया कैसे वापस आता तो इसलिए कोविड का इन्होंने बहुत सारे रिलैक्सेशन दिया था पर एक सेकेंड रुको बोलो थैंक यू आईसीआई क्यों क्योंकि कोविड के रिलैक्सेशन जो होते हैं ना वो इन्होंने हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड किए फॉर्चुनेटली क्योंकि इनको पता था टेम्प्रेरी फेना मैना है कौन एड करेगा फिर रिमूव करेगा इन्होंने कोविड रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं एड किया है ठीक है नहीं नहीं शिवम ऐसा नहीं होता आप बोल रहे हो कि इफ नो रेसिडेंट ऑफ इफ नो डायरेक्टर इज रेसिडेंट इन सम फाइनेंशियल ईयर फॉर सम रीजन देन व्हाट विल बी द सर तो देखो आप अगर बोल रहे हो कि कंपनी में किसी भी कारण से किसी साल में रेसिडेंट डायरेक्टर नहीं था तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसिस होगी पेनल्टी अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे एक पेनल्टी है जो कहता है इस वाले चैप्टर में जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं ना इस वाले चैप्टर का कोई भी प्रोविजन अगर ब्रीच होता है तो ये पेनल्टी लगेगी तो आप पे वो पेनल्टी लग जाएगी और क्या होगा जान थोड़ी ले लेंगे अब सर सुनो सब सेक्शन थ्री हो गया अब मैं आपको बताता हूं सब फोर क्या है सब सेक्शन सबसे है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहला सवाल किसी ने पूछा कि भैया एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और क्या होने भी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो मैंने बोला सुनो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दो एक लिस्टेड कंपनी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी सर सुनो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्त ऑब्जेक्टिव समझो पूरी चीज समझ आएगी ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया कंपनी में अगर फ्रॉड हो रहा है ना तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स बहुत सारे लोगों का पैसा लगाए पब्लिक जनता का पैसा लगाए जनता का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए हमको ना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए जो एथिक्स का ध्यान रखेगा पर भाई प्राइवेट कंपनी में कौन सी जनता प्राइवेट कंपनी में तो वैसे ही क्लोजली हेल्ड होता है तो वो कहते तुम लोग को जो करना है कर लो हमको तुमको गाइड नहीं करना है हमको तुमको नहीं बोलना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तुमको रखना है रखो नहीं तो तुम जानो तुम्हारे शेयर होल्डर्स जाने हमको फर्क नहीं पड़ता है तो सर

अगर एक कंपनी का पेड शेयर कैपिटल कितना बोलो ना गेस्ट तो करो गेस्ट तो करो अब तो तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं आए गेस्ट तो करो सर 100 करोड़ 300 करोड़ मत बोलना कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर एक बार अपने मुंह से बोलो ना प्लीज वुमेन डायरेक्टर का एक बार बोलो वुमेन डायरेक्टर का ये वाला नहीं वुमेन डायरेक्टर का क्या था पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ और मोर टर्नओवर ऑफ और मोर हंड्रेड करोड़ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड करोड़ और मोर यहां पे लिमिट्स चेंज हो गए और ये जो लिमिट्स है ना ये कम से कम चार बार देखोगे तुम ये लिमिट तो सुपर इंपॉर्टेंट याद कर लो पेड शेयर कैपिटल जो है ना दस करोड़ या उससे ज्यादा है टर्नओवर जो है ना वो सौ करोड़ या उससे ज्यादा है और आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स और डिपॉजिट जो है ना

पेडअप शेयर कैपिटल कितना है दस करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर सौ करोड़ या उससे ज्यादा हंड्रेड करोड़ और मोर और आउटस्टैंडिंग लोन मोर देन देख्टी करोड़ ठीक है संस्कृति कह रही है है लिखा नहीं लिखा है अब सर अब आ जाओ मजा शर्त लगा रहा हूं शर्त लगा रहा हूं गलत जवाब दोगे सुन लो जो केस मैं पांच केस बताऊंगा पांच केस में से जो केस का मैं तुमको बोलूंगा ना गलत जवाब दोगे तुम उसका गलत जवाब दोगे ही दोगे लगी शर्त सौ सौ की चलो सर पेड अप शेयर कैपिटल टर्न ओवर और आउटस्टैंडिंग लोन ठीक है केस वन केस टू केस थ्री सुनो 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 दिवेश वाई कांट यू सी द चैट बिकॉज मे बी यू आर यूजिंग फ्रॉम फोन तो आपको चैट खोजना पड़ता है उसमें थोड़ा स्ट्रगल है मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो अरे सर सुनो रुको तो सही पेड अप शेयर कैपिटल केस वन इन करोड़ नाइन्टी नाइन करोड़ फोर्टी नाइन करोड़ भाई आपके आसानी के लिए मैं यहां पे लिमिट भी लिख देता हूं दस 10 करोड़ सौ करोड़ और पचास करोड़ ठीक है केस वन नाइन करोड़ नाइनटी नाइन करोड़ फोर्टी नाइन करोड़ क्वेश्चन क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा द आंसर इज नो ठीक है गुड आई एम सो प्राउड ऑफ यू केस थ्री टेन करोड़ नाइनटी नाइन करोड़ फोर्टी नाइन करोड़ इन करोड़ हंड्रेड करोड़ फोर्टी नाइन करोड़ नाइन करोड़ नाइन्टी नाइन करोड़ फिफ्टी करोड़ तीन केसेस तीन में से एक केस का आंसर आप गलत दोगे मेरे को बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि नहीं यस यस नो ऐसे लिखो वाई 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 एन वाई ऐसे लिखो यस 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 तीनों केस केस टू केस थ्री केस फोर का आंसर एक साथ दो वाई 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 एन वाई एन एन वाई जो भी तुमको करना है है ना कुछ लोग यस 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 वाले आंसर इज यस यस और नो और नो क्यों क्योंकि भाई आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर और डिपॉजिट पचास करोड़ से ज्यादा है इक्वल टू नहीं है तभी ना रेड में लिखा इक्वल टू नहीं है दोस्त आंसर इज यस यस एंड नो मतलब क्या सर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेगा टर्नओवर 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेगा आउटस्टैंडिंग लोन डिपेंचर डिपॉजिट अगर 50 करोड़ से ज्यादा है इक्वल टू 50 करोड़ है तो नहीं अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको आउट से, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगेगा बट सर लॉजिकली बताओ ना ऐसा क्यों क्यों 10 करोड़ क्यों 100 करोड़ क्यों 50 करोड़ के ऊपर क्यों पचास करोड़ इंक्लूडेड नहीं है भाई एक बात बताओ अगर ये लोग इंक्लूड कर देते तो एमसीक्यू में क्या पूछते इंस्टीट्यूट क्या बनाता एमसीक्यू अगर सब इतना स्ट्रीमलाइन होता इतना होता तो एमसीक्यू में क्या आता फिर ये आएगा ना MCQ में. MCQ में आएगा ना एमसीक्यू एमसीक्यू में में पचास करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन है क्या आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेगा ना ना, 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 ना ना सर अगर एक बात बताओगे अगर सौ करोड़ का अगर सौ करोड़ का आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स होता बोरोइंग्स होता तो क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता अगर 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ने क्या वर्ड यूज किया है लोन डिबेंचर डिपॉजिट तो हमको वर्ड चाहिए लोन डिबेंचर डिपॉजिट अगर बोरोइंग बोरइंग है तो नहीं भैया अपने को नहीं पता अपने को प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा हमको चाहिए लोन डिबेंचर या डिपॉजिट सर बोरोइंग भी तो एक तरह का लोन है ना लॉ में लिखा है ऐसा की लॉ में आपने एक लाइन देखा है कि बोरिंग इज इक्वल टू लोन नहीं ना तो फिर नहीं ठीक है और केस फाइव तो सर बच्चा वाला क्या छोटा भाई भी दे एक सौ एक और फिफ्टी वन ठीक है यसूमलेटिव जब केस वैसे क्यूमुलेटिव नहीं है तीनों जगह और है, है ना तो कोई भी कंडीशन मीट होगी तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा सर अच्छा लगा समझ तो आया लेकिन एक बात बताओ कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्योंकि आपने बोला मिनिमम थ्री टू वन चाहिए नॉर्मल नॉर्मल डायरेक्टर 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 टू चाहिए अब अब फिर आपने वुमेन डाल डाल दिया डाल दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए तो लॉ ने क्या बोला सुनो लॉ ने बोला ये जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है ना ये जो तीन कैटेगरी में आते हैं इनके केस में जो वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना वो एटलीस्ट दो होंगे एटलीस्ट दो मतलब क्या कम से कम दो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमको चाहिए मतलब क्या अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसका पेड़ अप शेयर कैपिटल दस करोड़ से ज्यादा है तो आपको कम से कम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बैठाना पड़ेगा कहां पे आपके आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना कुछ इशू है क्या हा सुनो 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 सर अगर आप एक पेडफ अगर ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसका पेडअप शेयर कैपिटल दस करोड़ या उससे ज्यादा है, है टर्न ओवर सौ करोड़ या उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग लोन डिपेंचर डिपॉजिट अगर पचास करोड़ से ज्यादा है तो आपको कम से कम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए और अगर आप लिस्टेड कंपनी होना तो लिस्टेड कंपनी होना तो हम आपको एब्सुलूट नंबर नहीं बताएंगे एब्सुलट नंबर मतलब क्या दो या तीन नहीं बताएंगे हम आपको बोलेंगे कि आपका एटलीस्ट एटलीस्ट वन थर्ड दस डायरेक्टर है मेरे को एक बात बताओ अगर एक कंपनी में टोटल दस डायरेक्टर है और अगर वो लिस्टेड है तो उसको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होंगे मैंने बोला एटलीस्ट वन थर्ड एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ टेन कितना होता है थ्री पॉइंट थ्री थ्री अगर मैं तीन डायरेक्टर लाऊंगा ना इंडिपेंडेंट तो वो एटलीस्ट नहीं होगा क्योंकि 3.33 से आप कम कर दिए तो एटलीस्ट में आपको क्या लाना पड़ेगा चार कम से कम चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए वही अगर ये पब्लिक लिस्टेड के कंपनी की जगह अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मान लो पचास करोड़ है तो मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है पर उसको सिर्फ दो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट लाने पड़ेंगे क्यों सिर्फ दो डायरेक्टर से क्योंकि एक बात समझो लिस्टेड कंपनी में जब तुम लिस्टेड हो जाते हो ना बहुत ज्यादा पब्लिक आ जाती है लाख शेयर होल्डर है भाई रिलायंस थर्टी थ्री लाख पर अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो ना तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते होते हैं लेकिन लिमिटेड हैं ठीक है तो इसीलिए इसीलिए आपको वहां पे दो डायरेक्टर का बोला है यहां पे ऑफ द डायरेक्टर टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला है अब सर मेरे को कोई एक डिफिकल्ट सवाल का जवाब दे पाएगा पेड ऑफ शेयर कैपिटल टर्न ओवर आउटस्टैंडिंग लोन ये सब हम कब का देखेंगे एज ऑन वट डेट एज ऑफ टूडे एज ऑफ एज ऑफ ये डेट सेम सर एज पर दास्ट डेट ऑफ दाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आपके पास लेटेस्ट लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लास्ट डेट में कर लेना लेकिन सर जैसा कि मैंने आपको बताया था सीए फाइनल का जो लॉ है ना एग्जेम्पन का खेल है एग्जेंशन का खेल है मतलब क्या अब इन्होंने बोला कि हम आपको कुछ ऐसी कंपनीज बताएंगे जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी है अगर और उनका पीडम शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ से ज्यादा भी है सॉरी 10 करोड़ से ज्यादा भी है या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा भी है या अगर आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ से ज्यादा भी है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे क्या बोल रहे हैं हम आपको इस पूरे चीज का ये जो मैंने रेड में बॉक्स बनाया है इस पूरे चीज का एग्जेपन बताने वाले तीन कंपनी है जिनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे सबसे पहला ज्वाइंट वेंचर

दूसरा होली ओन सब्सिडी अगर आप एक होली ओन सब्सिडी हो मतलब क्या अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और अगर वो हंड्रेड परसेंट रिलायंस जियो में होल्ड करता है वैसे नहीं करता पर समझो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस जियो में हंड्रेड परसेंट होल्ड करता है तो भाई जब तुम सौ टका होल्ड करते हो मतलब रिलायंस जियो के नुकसान से किसका नुकसान होगा रिलायंस का और रिलायंस में तो 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 हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा ही रखे, तो वो मैनेज कर लेगा, तो, में हमको नहीं चाहिए अगर आप एक हो तो और तीसरा अगर आप एक डॉर्मेंट कंपनी हो डॉर्मेंट कंपनी है किसी ने ऐसे ही पूछा सर डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है इंस्टीट्यूट ने सुन लिया डाल दिया आपके सिलेबस में है सेक्शन फोर हंड्रेड 55 है वो अपन पढ़ेंगे अभी के लिए ये समझ लो डोरमेंट कंपनी मतलब जैसे डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं ना स्लीपिंग पार्टनर्स जैसे जो फर्म में जिनका कोई रोल नहीं होता है वो बस पार्टनर नाम के लिए पार्टनर है वैसे डोरमेंट कंपनीज होते हैं मतलब क्या अभी वो कंपनी ऑपरेशनल नहीं है अभी कुछ समय के लिए बस डोरमेंट है बाद में ऑपरेशनल हो जाएगी ठीक है तो उनको क्या जरूरत है भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जब काम ही नहीं कर रहे तो चेक क्या करेंगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए ये तीन एक्सेप्शन है कौन से तीन एक्सेप्शन है सर बताओ एक ज्वाइंट वेंचर

तो सिमिलर प्रोविजन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में इंटरमीडिएट वैकेंसी हुई ना तो आपको लेटर और, और उतने में आपको इंटरमीडिएट वैकेंसी भरनी पड़ेगी अब सर एक इंपॉर्टेंट सवाल जो वेमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैच नहीं होगा आंसर क्या है वो सवाल मैंने आपको बोला

इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं कर रहे हो ना लिस्टेड अनलिस्टेड इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं कर रहे हो तीन साल लगातार तो सर फिर उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा समझा रहा हूं मेरी बात सुनो सर फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी ठीक है यहां पे क्या हुआ था सर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात बताता हूं इस साल का मेरा ना टर्नओवर

ठीक है तो भाई जब तुम्हारा बीस इक्कीस में टर्न ओवर हुआ तो तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन तो लग गया तुमने इसके हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया अब समझो ये फर्स्ट ईयर है यहां पे आपका टर्न टर्नओवर की लिमिट मीट नहीं हुई पर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है तो आपको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा सेकेंड ईयर मीट नहीं हुई टिन्यू करना पड़ेगा थर्ड ईयर मीट नहीं हुई कंटिन्यू करना पड़ेगा लेकिन जब आप 2024-25 में देखोगे ना तब क्या हुआ है पिछले तीन कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से आपकी कोई भी लिमिट मीट नहीं हो रही है ना पेड अप शेयर कैपिटल टर्न ओवर ना आउटस्टैंडिंग लोन तो जब तीन साल तक कंटिन्यूसली कोई भी लिमिट ब्रीच नहीं हुई है ना तो इस साल से फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंप्लाइंस बंद कर सकते हो मतलब क्या आप अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकालना चाहो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना चाहो या वेकेंसी हो जाए तो नहीं भरना चाहो या टेन्योर खत्म हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो नहीं री अपॉइंट चाहो, तो कोई बात नहीं मत करो ठीक है तो सर once applicable, at least for three years. लेकिन विमेन डायरेक्टर में भाई एक बार टर्नओवर 300 करोड़ के ऊपर गया जिंदगी भर विमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा दोस्त मेरे को एक चीज बताओ दोनों का लॉजिक समझे आप क्यों डिफरेंस है में तुम्हारा एडिशनल कॉस्ट नहीं है तुमको बस इतना बोल रहे लड़की ढूंढ ले भाई क्या क्या दिक्कत है इसमें पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बहुत दिक्कत है क्योंकि आप समझोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खोजना आसान नहीं है इट इज नॉट इजी टास्क टू सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन जो है वंस एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर एटलीस्ट थ्री ईयर तीन कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल सर डिड यू डिड यू लिसन टू द वर्ड कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार मतलब अगर सेकेंड ईयर में गलती से मेरा टर्न वापस एक करोड़ भी चला गया ना तो गया फिर से तीन साल वेट कर दो तीन टिव फाइनेंशियल ईयर तक अगर आपका ये प्रोविजन मीट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंप्लाइंस छोड़ना पड़ेगा पंकज पूछ रहे जिस साल अपॉइंट हुए सो हुए सो साल के अलावा तीन साल आप देख लो ना पंकज फाइनेंशियल ईयर 21-22 का उसी साल अपॉइंट हुआ है ना तो उस साल इंक्लूड करोगे बेसिकली थ्री फाइनेंशियल ईयर देखोगे उस साल अपॉइंट हुआ है नहीं हुआ है वो रेलिवेंट ही नहीं है तीन फाइनेंशियल ईयर देखोगे ठीक है चलो दोस्तों आ जाओ सर ये आपका आईसीआई का मॉड्यूल है ठीक है आईसीआई का मॉड्यूल है फर्स्ट पेज सेकेंड पेज थर्ड पेज फोर्थ पेज

क्या समझ रखे हो कंप्यूटर समझ रखे हो हमका नहीं कंप्यूटर नहीं इंसान हो इंसान की तरह बताऊंगा सुनो सर चैप्टर का ना जो चैप्टर होता है जो आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर का नाम चैप्टर का नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डिरेक्टर्स अब जब आप अब जब आप इस चैप्टर के अंडर किसी भी सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हो ना रूल्स बनाने का तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बनाएगा ना वो चैप्टर वाइज रूल्स बनाएगा मतलब क्या इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना ज्ञान देना है सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल बनाएगा रूल का नाम क्या होगा बताए कंपनीज रूल का नाम होगा कंपनीज रूल का नाम होगा कंपनीज कंपनीज किसी को पता है रूल का नाम कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 सर समझना कंपनीज एक्ट कब आया था कंपनीज एक्ट आया था 2013 में और 2013 2013 के बाद एक साल लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हिस्से का सारा रूल्स करने के लिए तो ऑलमोस्ट सारे रूल्स 2014 में आए हैं तो ये जो कंपनीज नाम क्या है सर देखो चैप्टर का नाम पूरा ब्रैकेट में आ जाता है उसके आगे कंपनीज फलाना चैप्टर रूल्स 2014 आप अगर इतना भी लिख लो ना एज पर कंपनीज एक्ट टू कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड कंपनी टू रूल्स फोर्टीन बस उसके आगे और भी रूल नंबर याद करना है तो कुछ लोग करते हैं जैसे वुमेन डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और रूल नंबर इजी है, तो याद करने की कोशिश कर लेते हैं पर अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा बट सर यहाँ पे रूल्स तो लिखे होते हैं अगर आपको रूल नंबर याद करने होंगे तो आपको ये मेरे नोट्स में डालना पड़ेगा मैंने नोट्स में इंटेंशनली रूल नंबर्स नहीं डाले बिकॉज वो बहुत हीवी हो जाएगा ठीक है तो रूल नंबर थ्री है सर रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि लिस्टेड कंपनी है और अदर पब्लिक कंपनी पेड ऑफ शेयर कैपिटल टर्न ओवर ऑफ ऑफ हंड्रेड करो टर्न ओवर ऑफ थ्री हंड्रेड करो ऑर मोर उनको डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा ये पूरा सेम है जो बेराक में लिखा है नीचे का एक बार रीड कर लेना और ये तो रीड हो जाएगा सर अब मैं आपको एक और चीज बताता दू पेज नंबर फोर के बाद ना सीधा आना पेज नंबर थर्टी फोर पे थर्टी फोर पे थर्टी फोर का सर आपको आज पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन लिस्टेड

और ये रिकॉर्डेड वाले भी तुम सुन सुन लो लो जो सीरीज के तरह बिंज करने वाले हैं लेक्चर्स को सुन लो प्लीज अगर आप आज क्लास देख रहे हो ना तो जितना इंपॉर्टेंट क्लास देखना है ना उतना ही इंपॉर्टेंट रुक करके रिवाइज करना भी होता है आप समझो तुम्हारा ब्रेन ना पूरा पूरा रिटेंशन का खेल है और रिटेंशन डिपेंड करता है गैप पे कितने समय के गैप में आप रिवाइज कर रहे हो ठीक है तो रिटेंशन डिपेंड करता है गैप पे कि कितने समय के गैप में रिवाइज कर रहे हो तो तीन चार लेक्चर लाइन से देखोगे उसके बाद पढ़ोगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मेरा सजेशन ये है लेक्चर देखो और पढ़ो लेक्चर देखो और पढ़ो लेक्चर देखो और पढ़ो इसीलिए लाइव क्लास वालों में तुमको बोल रहा हूं आज जो आपने अभी जो लेक्चर देखा उसके बाद आज दिन में आपको एक घंटे निकालने पड़ेंगे बस एक ज्यादा नहीं उस एक घंटे में ये जो मैंने पढ़ा है ना उसको रीड कर लो उसके साथ साथ समरी नोट्स आपके पास अभी तक मोस्टली तो आए नहीं होंगे अगर किसी के पास आ गए तो ग्रेट नहीं तो आपको आज समरी नोट से रीड करने की जरूरत नहीं है जब तीन चार दिन में आपके पास पहुंच जाएगा तब उससे रीड कर लेना समझा आपको डिड यू अंडरस्टैंड सर यहां पर एक रिक्वायरमेंट ऑफ हायर नंबर है यहां पर इसको ब्रैकेट में डाल के होल्ड कर दो इसको मैं आपको सेक्शन 177 के साथ समझाऊंगा ठीक है इसको होल्ड कर दो मैं सेक्शन 177 के साथ समझाऊंगा आपको अभी शायद ना समझे, पर ये ठीक है, बस हो गया इसके अलावा आप सब चीजें पढ़ सकते हो ठीक है? है बी पार्ट मत पढ़ना, यहां तक पढ़ना तक बस समझा आपको सर अब आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे, क्या सर सब आज ही करा दोगे क्या हाँ भाई एक बार जरा क्वेश्चन नंबर टू पढ़ के देखो तो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो तो हाँ जी सर पढ़ा आपने क्या है सर केएमआर लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी पहला क्वेश्चन है आराम से पढ़ो आंसर आना बहुत बड़ी बात नहीं है आंसर लिखना बहुत बड़ी बात है आंसर आना और लिखने में जमीन आसमान का फर्क होता है तो मेरी बात सुनो के एम आर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी केल खत्म हैज फिफ्टीन डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सेट कंपनी प्रोवाइडम कहते हैं और इनका मैक्सिम लॉ का लिमिट भी पंद्रह क्या यह गवर्नमेंट कंपनी है नहीं तो लिखा है सर डू टू डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिजायर टू इंक्रीज दर ऑफ डायरेक्टर्स टू एटीन डिसाइड विद रेफरेंस टू दबल प्रोविजन वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डू सो क्या आप पंद्रह से अठारह डायरेक्टर बढ़ा सकते बना सकते हो हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं एक रेजोल्यूशन आपको आर्टिकल को अमेंड करने के लिए करना पड़ेगा एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको वन फोर्टी नाइन के अंडर करना पड़ेगा विल योर आंसर डिफर इफ दंपनी वुर्मेंट कंपनी हाँ अगर गवर्नमेंट कंपनी होती

Yes, the board of directors can do so by following the below mentioned provision. Provision: A special resolution of members will be required to alter the article of association under section 14 of the Companies Act. Sir, ये तो हमारे syllabus में किया ही नहीं था. हाँ, शुभम बोल दो sir को. Please, बोल दो. क्योंकि देखो, it's it's on you basically. शुभम. Questions वगैरह करवा रहा हूँ. आप अगर चाहो तो आप जाकर के ये घर में भी कर सकते हो खुद Not a big deal. क्योंकि प्रोविजन सारे हो गए या फिर आप बैठ करके सुन भी सकते हो प्लीज सर को बोल दो okay. इट्स जाएगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वॉल्यूम कल अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन पिक कर रहा हूं तो अगर मैं उसको सेकंड हाफ में पिक कर रहा हूं तो वो अपने आप अप डेढ़ घंटे का है तो मिनट आधा घंटा आगे पीछे होगा ठीक है दोस्तों सुनो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 फोर्टी अपन ने पढ़ा क्या बोल रहे हैं सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा आपको आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा सो एज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन आर्टिकल फ्रॉम 15 टू 18 यहां इन्होंने सर थोड़ा सा ना हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि भैया पंद्रह से अठारह कैसे होगा अठारह तो तुम नहीं लिख सकते ना क्योंकि अठारह लिखोगे तो तुम अगेंस्ट हो जाओगे लॉ के पर चलो इन्होंने यहां लिख दिया अगर आप क्वेश्चन वन पढ़ोगे ना तो सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन वहां पर इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है पर यहां पे इन्होंने लिखा है है, सर फर्दर द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज टू भीज बियॉन्ड फिफ्टीन सच अथॉरिटी मस्ट बेन फ्रम्बर थ्रू अस्पेशल रेजोल्यूशन ओनली आटर फर्दर अप्रूवल न्यू डरेक्टर्स कैन भी अपॉइंटेड मतलब दो स्पेशल रेजोलूशन लगा ठीक है और इनकेस गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा सर आपको सेक्शन नाइनटी टू और वन थर्टी सेवन का कंप्लाइंस अगर कर लियो तो मैक्सिमम फिफ्टी डायरेक्टर्स और ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है तो इनकेस गवर्नमेंट कंपनी कैन इंक्रीज द नंबर विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजन में ठीक है तो सर ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आंसर इतना इन्होंने ग्रेट प्रेजेंटेशन नहीं किया बहुत सारी चीजें कवर कर सकते थे पर परमेन डायरेक्टर में ना वेमेन डायरेक्टर में और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एप्लीकेबिलिटी में कम से कम दस क्वेश्चन है ठीक है तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो इजी है होमवर्क नोट करो क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क क्वेश्चन नंबर टू रीड कर लेना एक बार अगर अभी नहीं रीड किया मेरे साथ तो क्वेश्चन नंबर थ्री कल हम क्लास में करेंगे है ना क्वेश्चन नंबर फोर होमवर्क क्वेश्चन नंबर फाइव होमवर्क क्वेश्चन नंबर सिक्स होमवर्क क्वेश्चन सेवन होमवर्क बस सर होमवर्क मतलब क्या आज आप करोगे आपके कल डाउट्स होंगे आप जो भी डाउट से पूछोगे और जो क्वेश्चंस बहुत लोगों को नहीं जमेगा वो अपन क्लास में इन लेंथ डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस मेरे को वैसे भी डिस्कस कराने हैं क्लास में पूरे वो तो मैं करवाऊंगा ही अब मेरी बात सुनो एक ध्यान से सर क्वेश्चन बैंक कैसे करना है क्वेश्चन बैंक मतलब बस पढ़ लें रीड कर लें क्वेश्चन बैंक ना आज आप करोगे इसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप फर्स्ट रिवीजन में करोगे उसके बाद क्वेश्चन बैंक का आपको बहुत ज्यादा वेटेज कम करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव लिखो ऊपर अपने हेडर में

कंजर्वेटिवली मतलब क्या अगर तुमको लग रहा है यार ये बी होगा या सी होगा तो उसको बी में डालना क्यों आज अगर आप सी में डालोगे ना आगे शायद रिविजन में पूरा छूट जाए तो कंजर्वेटिवली उसको बी में डालना नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे एकदम ही ढीला लगेगा ना तो उसको उठा के सी में पटक देना मतलब क्या

चैप्टर खत्म होगा उसके एक दिन के अंदर क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा आपका भी और मेरा भी मतलब क्या जो मैं होमवर्क दे रहा हूं दोस्त प्लीज यार सुन लो मैं ना बहुत बार ये सोचता हूं कि एक स्टूडेंट क्लास लेता है पढ़ता है इतनी मेहनत करता है पर क्यों क्लियर नहीं कर पाते? क्योंकि यार वो ना सही समय पे सही चीज नहीं करते है. अब आपने लॉ लिया है अब आप लॉ करूँगा बोलो तो लॉ कर लो और आप शुरू के पांच दिन कर लोगे, दो कि मैं आखरी दिन तक टिका रहूंगा। और भाई जिस दिन आखिरी दिन खत्म होगा ना उस दिन जो सेटिस्फैक्शन आएगा जो कंफर्ट आएगा लॉ में उसका कोई तोड़ नहीं क्योंकि यार तुम डायरेक्टर्स के लिए कर लोगे मैंने कितने लोगों को देखा है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कर लेते उसके आगे टूट जाते तुम अपने आप को दिमाग में ये पॉलिसी बना लो अपनी अपनी खुद की पॉलिसी और अपनी पॉलिसी तो तुम नहीं ब्रेक कर सकते दोस्त पॉलिसी बना लो आज का आज का होमवर्क मैं करूंगा भाई जिंदगी में कितना समय कम हो कितना समय कम हो मेरे पास अगर एक घंटा नहीं है ना मिनट है ना मैं पंद्रह मिनट में चार गुनिया स्पीड पे कर लूंगा लेकिन आज का होमवर्क मैं आज खत्म करूंगा मैं आपको एक चीज बताता हूं बहुत छोटी सी चीज है ये मेरे टीचर ने मेरे को इंटरमीडिएट में सिखाया था कि आज जो पढ़ रहे हो ना उसको कल की क्लास के पहले रिवाइज करके आना ही आना है लेकिन मान लो कभी ऐसा होता कि एक बजे क्लास छूटी दो फेर को और तुम चले गए मूवी फिर खाने फिर घूमने फिर फिरने फिर सीधा अगले दिन सुबह सो करके अगले दिन सुबह क्लास में उठे तो बोले तब भी ना क्लास दस मिनट पहले, 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 पहले पहुंचो और एक बार बस पलटा लो क्यों क्योंकि वो स्नैपचैट में स्ट्रीक होता है ना स्ट्रीक कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ वो स्ट्रीक नहीं टूटना चाहिए अगर तुमने क्लास के दस मिनट पहले भी बुक खोल लिया ना तो तुमने रिवाइज कर लिया तुमने अपने दिमाग को कमांड भेज दिया कि भाई मैं रिवाइज कर रहा हूँ भले थोड़ी क्वालिटी आज कम हो गई लेकिन और क्वालिटी कम नहीं करूंगा तो वो स्ट्रीक नहीं टूटना चाहिए नहीं पंकज मैं रिपीट नहीं करूंगा आप उसको, आ, नहीं में भी भी भेजे हैं और हाँ। तो प्लीज, प्लीज प्लीज टूटने देना आज जितनी जान लगाए हो क्लास सुनने में क्लास के बाद पढ़ने में और क्वेश्चन करने में ये हर दिन चाहिए हर दिन चाहिए पंद्रह दिन की मेहनत होती ना दोस्त अगर तो दुनिया में कोई भी कर लेता सीए फाइनल ठीक है हर कोई नहीं कर रहे तुम कर रहे हो ठीक है तो तुमको हर किसी से चार कदम आगे चलना पड़ेगा ठीक है चलो गाइस होमवर्क लिख लिया आपने मॉड्यूल से पढ़ना है एक घंटे से ज्यादा का होमवर्क आज बिल्कुल नहीं है आराम से पढ़ो टाइम सेंसिटिव नहीं होने का आराम से समझ समझ के पढ़ने का और जो भी डाउट्स होंगे लिख के रखने का मेरे को कल की क्लास के बाद पूछने का अभी अगर कुछ डाउट्स है तो क्लास के, अभी पूछ लो रुक करके और बाकी लोग जिनका हो गया मेरी तरफ से आज की क्लास खत्म हो गई आप लोग जा सकते हो थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग हैव अ वेरी गुड डे एंड प्रोडक्टिव डे ओके टेक केयर बाय दिस इज वन गुड क्वेश्चन कि जो ये जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडी और आ, इसका जॉइंट वेंचर होली ऑन सब्सिडी और डॉर्मेंट कंपनी जो तीनों है क्या ये एक्जेंशन लिस्टेड कंपनी को भी एप्लीकेबल होगा तो टेक्निकली ना एक जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडी या डॉर्मेंट कंपनी लिस्टेड हो ही नहीं सकती बॉक्स तो बनाया था लेकिन वो एक्सम्शन टेक्निकली है अनलिस्टेड कंपनी के लिए ही. एक लिस्टेड वेंचर कैसे यार? वेंचर में तो दो शेयर होल्डर थे लिस्टेड मतलब क्या तुम उसका आईपीओ ला रहे हो पब्लिक शेयर होल्ड है पब्लिक पूरी जनता होल्ड करती है होल्डी ओन सब्सिडी में मतलब एक शेयर होल्ड है तो वो लिस्टेड कैसे हो सकती है डॉर्मेंट कंपनी तो काम ही नहीं है वो लिस्टेड कैसे हो सकती है राइट तो इट के नॉट भी लिस्टेड सर audited? इफ वी हैव क्वार्टरली ऑडिटेड इफ यू हैव क्वार्टरली ऑडिटेड इट अगर आपका ऑडिटेड है अगर आपको लगता है ऑडिटेड है. मैं बोल रहा हूँ ऑडिटेड नहीं होता है क्वार्टरली लेकिन अगर है तो वो वैलिड है उसको यूज करो बिकॉज लॉ ओनली सेज लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है समझा बेपाशाह समझा गाइस चलो डिड यू अंडरस्टैंड इफ yes, आई टेक your लीव एंड गो सर ये जो मैक्सिमम पंद्रह डायरेक्टर का पंद्रह डायरेक्टर है क्या उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इंक्लूड होते हैं हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर आगे नॉमिनी डरेक्टर पड़ेंगे दुनिया में सारे डायरेक्टर इंक्लूड होते हैं उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मैक्सिमम पंद्रह के लिमिट में इंक्लूड नहीं होता है ठीक है ओके गाइस चलो आई थिंक आई विल टेक योर लीव थैंक्स अ लॉट हैव अ गुड डे प्लीज स्टडी वेल बी प्रोडक्टिव बाय बाय पक्का बाय पक्का वाला बाय